आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सुबह का नाश्ता, जो कि इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और इतना ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है ना कि आप इसे डेली बना के ये नाश्ता खाएंगे और इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा, बस एक चम्मच से आप बना सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंडियन वेज रेसिपी विद चंदा में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और इसे गैस पर रखेंगे। अब हम इसमें एक कप ओट्स डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक हल्का सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर हम इसे भून लेंगे। ओट्स जो है अच्छे से भून गया है। अब हम इसे थाली में फैलाकर ठंडा कर लेंगे। फिर इसे मिक्सर जार में हम इसे पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, हमने पाउडर को बना लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में पलट लेंगे। अब इसमें छोटे चम्मच से 2 चम्मच सूजी डालेंगे और 2 चम्मच बेसन डालेंगे। इसे डालने से चीले का कलर भी बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। एक साथ में ज़्यादा पानी ना डालें, तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। तो देखिए, हमने इसमें 1/2 कप पानी लगा है। अब इसमें हम कुछ सब्जी डालेंगे। तो 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च है, इसे डाल देंगे। और 2 गाजर है जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है और इसे डाल देंगे। और साथ में बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। सब्जी आप अपने मनपसंद कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर नहीं पसंद है तो आप इसको हटा सकते हैं। और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे हम कद्दूकस कर लिए हैं, इसे डाल देंगे। और 2 हरी मिर्च है बारीक कटा हुआ, इसको डाल देंगे। और साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और सारी सब्जी को हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, सब्जी को हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। तो देखिए, एकदम छोटा सा चम्मच है, इसी चम्मच से हम 1/2 चम्मच डाल रहे हैं। और 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और सभी मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो इसमें हम 2 चम्मच और पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट होने के लिए रख देंगे, ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। तो 5 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए, ये बैटर जो है एकदम परफेक्ट हो गया है। अब हम चलते हैं इसका चीला बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम गैस पे तवा रख दिए हैं, तवा हल्का गर्म हो गया है। अब इस पे हम घी या तेल लगाएंगे और तवे को अच्छे से ग्रेस कर लेंगे। अब इस पे हम 1 चम्मच से इस पे डाल देंगे बैटर को और इसे थोड़ा फैला लेंगे। तो इसमें हम बहुत सारा सब्जी डाले हैं, तो इसलिए इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब इसको हम ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लेंगे। इसमें हम सब्जी ज़्यादा डाले हैं, तो इसे हमें धीमी आंच पे ही पकाना है, ताकि ये पूरी तरह से सीख जाए। तो 2-3 मिनट बाद हम ढक्कन हटा करके चेक कर लेंगे।
तो देखिए एक तरफ से ये अच्छे से सूखा हो गया है। तो अब हम इस पे ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे पलट लेंगे। तो हमें चीले को दोनों तरफ से उल्टते पलटते हुए अच्छी तरह से सेक लेना है। दबा दबा के सेक लेंगे ताकि सब्जी जो अंदर से अच्छे से पक जाए। अब इसे हम दोबारा फिर से पलट के पका लेंगे उस तरफ से भी। तो ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक गया है। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है। अब इसे हम हटा लेंगे और सेम तरीके से हम दूसरे चिल्लो को भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हम चिल्ले को बना के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए कितना जल्दी और कितना हेल्दी टेस्टी नाश्ता जो है बन के तैयार हो जाता है। तो देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है और अंदर से भी एकदम हेल्दी है, क्योंकि इसमें हम ढेर सारा सब्जी डाले हैं ना, तो इसका टेस्ट भी इतना लाजवाब है कि आप नाश्ते में तो डेली यही नाश्ता बना के खाएँगे। तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आज की हमारे ये चीला की रेसिपी आप लोगों को ज़रा से भी पसंद आया है तो हमारे चैनल को ढेर सारा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।